अमेरिका में डेढ़ दशक बाद दहशत की दस्तक ने सरकार को परेशान और अमेरिकियों को फिक्रमंद कर दिया है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद मुल्क के कई शहरों में मातम की तस्वीरें दिखाई दी। फ्लोरिडा में हुए कत्लेआम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए वाशिंगटन की सड़कों पर हाथों में मोमबत्तियां लेकर लोग निकले। अमेरिका के फ्लोरिडा के ओरलैंडो शहर में नाइट क्लब में हुए आतंकी हमले का ISIS कनेक्शन सामने आया है। कत्लेआम मचाने वाला अफगानी मूल के अमेरिकी नागरिक उमर मतीन को ISIS ने अपना लड़ाका बताया है और हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे दहशत पैदा करने वाला नरसंहार बताया है। रविवार को अमेरिका के ओरलैंडो के इस नाइट क्लब में सनकी बंदूकधारी उमर मतीन ने अचानक शूटआउट शुरू कर दिया। लगातार फायरिंग करते हुए मतीन ने 50 अमेरिकी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। कुछ ही देर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने क्लब को घेर लिया, लेकिन 4 घंटे तक गोलीबारी चलती रही, जिसके बाद स्वात बलों ने हमलावर को ढेर कर दिया। ओरलैंडो शहर में हुआ यह 9/11 के बाद का सबसे बड़ा हमला है। हमले के तार ISIS से जुड़ते दिख रहे हैं, जो FBI और CIA जैसी अमेरिकी एजेंसियों के खुफिया तंत्र पर सवाल खड़े करने वाली हैं। हमलावर को ढेर किए जाने के बाद अब जांच शुरू हो गई है। पता ये लगाया जा रहा है कि बगदादी के और कितने लड़ाके अमेरिका में दहशत की साजिश बुन रहे हैं। फ्लोरिडा के ओरलैंडो में कोहराम मचाने वाली उमर मतीन अफगानी मूल का नागरिक है। उमर के पिता के मुताबिक वो बहुत गुस्से वाला था, घर में छोटी छोटी बात पर बिफर उठता था। कई बार उसने अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट की थी। FBI के राडार पर भी मतीन पहले से था। पिछले 3 साल में FBI ने उमर मतीन से 2 बार पूछताछ की, लेकिन दोनों बार उसे क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया था। इलाहाबाद के KP ग्राउंड में शाम 5 बजे आज प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। रैली से पहले प्रधानमंत्री BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में समापन भाषण देंगे। इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज और भारत की विदेश नीति को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कार्यकारिणी की बैठक के बाद रात में BJP अध्यक्ष अमित शाह UP के सभी BJP सांसदों के साथ डिनर पर मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक BJP UP विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी नेता का नाम पेश नहीं करेगी, बल्कि राज्य को 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर अलग-अलग नेताओं को संगठन की कमान सौंपी जाएगी। ये सभी 6 नेता सांसद हो सकते हैं। चुनाव के नतीजों के आधार पर इन्हीं 6 में से किसी एक नेता को CM पद की कमान दी जा सकती है। कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बदलाव किए हैं। दोनों अहम चुनावी राज्यों के लिए पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। गुलाम नबी आजाद को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पंजाब और हरियाणा की कमान मध्य प्रदेश से सांसद कमलनाथ को दी गई है। कांग्रेस के कमलनाथ को पंजाब हरियाणा का प्रभार बनाते हुए नया विवाद शुरू हो गया है। BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि 84 के सिख दंगों के आरोपी को पंजाब का प्रभारी बनाना पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, तो वहीं चंडीगढ़ में कमलनाथ के खिलाफ कैंडल मार्च भी निकाला गया। राहुल गांधी आज पंजाब में होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष आज जालंधर में नशाखोरी के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। पंजाब चुनाव में इस बार ड्रग्स का मुद्दा बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा है कि सड़क पर मार्च करने के बजाय उन्हें नशे के कारोबार में लगे अपनी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। 1984 के सिख दंगों की जांच दोबारा होगी, इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक SIT का गठन किया है। 1984 में सिख दंगों के दौरान अकेले दिल्ली में 2,500 से ज्यादा सिखों की मौत हुई थी। SIT अब दंगों से जुड़े 75 मामलों की फाइल दोबारा खोलेगी। हालांकि केजरीवाल ने ट्वीट कर BJP पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि SIT का गठन केवल इसलिए किया गया है ताकि दिल्ली सरकार एक मजबूत SIT का गठन न कर पाए। ऑपरेशन जवाहर बाग के 10 दिन बाद UP के CM अखिलेश यादव आज मथुरा आने वाले हैं। CM अखिलेश यादव जवाहर बाग में हुई हिंसा में शहीद हुए SP सिटी मुकुल द्विवेदी की 13वीं के कार्यक्रम में जाएंगे। वहीं जवाहर बाग में शहीद हुए SO संतोष कुमार यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके घर जौनपुर भी जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की डबल बेंच में अटका उड़ता पंजाब का पेंच आज सुलझ सकता है।
हाईकोर्ट आज सेंसर बोर्ड के खिलाफ लगाई गई फिल्म निर्माताओं की याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सेंसर बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा था कि सेंसर बोर्ड का काम फिल्म को सर्टिफाई करने का है, सेंसर करने का नहीं है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पुलिस वालों से एक हिंसा के मामले में कुछ युवकों की गिरफ्तारी को लेकर बात कर रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सफाई देते हुए बीजेपी ने कहा कि येदियुरप्पा केवल पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई करने और बेकसूरों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। बाहरी दिल्ली के रतन विहार में बीती रात एक पेंट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। रिहायशी इलाके में चल रही इस अवैध फैक्ट्री में केमिकल का अवैध गोदाम चल रहा था। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। घटना में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पोर्ट ब्लेयर के पास कोस्ट गार्ड ने एक डूबती नाव में फंसे 7 लोगों की जान बचाई। डूब रही नाव को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसके लिए 2 ICG जहाजों को भी तैनात किया गया था। बचाए गए सभी 7 लोग बिल्कुल ठीक हैं। एमपी के मंदसौर में एक म्यूजिक टीचर की उसी के छात्रों ने जमकर धुनाई कर दी। प्राइवेट म्यूजिक क्लासेस चलाने वाले 63 साल के निरंजन भटनागर पर अपनी ही एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का गंभीर आरोप था। सबक सिखाने के लिए छात्रों ने म्यूजिक टीचर पर लात घूसों की जमकर बरसात कर दी। बार बार टीचर को जमीन पर गिरा कर उसे पीटते रहे। बाद में पुलिस ने टीचर को छुड़ाकर दोनों पक्षों से पूछताछ की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। सेक्स रैकेट संचालक एक महिला थी जो ग्राहकों को पिक और ड्रॉप फैसिलिटी देकर बुलाती थी। गोरखधंधा पौश इलाके प्रताप विहार के 2 फ्लैट्स में चल रहा था। पुलिस ने रेड डालकर सेक्स रैकेट संचालिका के अलावा 4 लड़कों और 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में महज सेल्फी के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। हादसा जंजीरा किले के पास पहाड़ी से गिरने से हुआ। दोस्तों के साथ पहाड़ी पर घूमने गए अभिषेक के सब दोस्त वापसी के लिए गाड़ी में बैठ चुके थे। तभी अभिषेक को एक और सेल्फी की चाहत हुई और वो किले को फोटो के बैकग्राउंड में रखते हुए पहाड़ी के किनारे पर खड़ा होकर फोटो लेने लगा। उसी वक्त पैर फिसलने से वो हादसे का शिकार हो गया। लखनऊ में एक वीडियो एल्बम की शूटिंग के दौरान हुए हंगामे में अभिनेता कुणाल खेमू घायल हो गए हैं। लखनऊ के इमाम बाड़े के सामने एल्बम सांवरे की शूटिंग चल रही थी जिसका मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया। हंगामा इस कदर बढ़ा कि लोगों ने सेट और वैनिटी वैन पर जमकर पत्थर बरसाए। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया। पत्थरबाजी के बीच कुणाल खेमू चोटिल हो गए हैं। लखनऊ में एटीएम चोरी की कोशिश करना ही 3 चोरों को भारी पड़ गया। एटीएम चोरी की नाकाम कोशिश करने के बाद थक हार कर 3 चोर चले गए लेकिन उनकी तस्वीरें CCTV में कैद हो गई। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी हिस्ट्री शीटर हैं जो पहले लूट की कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं और इस बार एटीएम पर हाथ साफ करने वाले थे। ब्रेड के भीतर मोबाइल फोन के सिम का माजरा बिहार के कटिहार में सामने आया है। जेल में बंद कैदी समीम से मुलाकात करने एक शख्स आया और समीम को ब्रेड देने लगा। ब्रेड की जांच की गई तो उसमें 2 मोबाइल सिम बरामद हुए। पुलिस ने मुलाकात करने पहुंचे संजीव को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के बिशन राय कॉलेज में टॉपर फैक्ट्री चलाने वाले बच्चा राय ने कहा है कि वो एक शिक्षाविद है और जन कल्याण के कामों में लगे रहते हैं। बच्चा राय के मुताबिक वो बिहार बोर्ड के चेयरमैन ललकेश्वर सिंह से कभी नहीं मिले। बच्चा राय रूबी राय को भी बेकसूर बताता रहा। बच्चा राय को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यूपी के हाथरस में खेत में सो रहे एक शख्स की हत्या कर दी गई। 50 साल के सोनपाल की खून से सनी लाश गुलाब के खेत से बरामद होने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि हत्यारों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब में तस्कर किस कदर बेखौफ इसका अंदाजा तरन तारण में हुई वारदात से होता है। अवैध शराब के तस्करों को रोके जाने पर तस्करों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। तेज धारदार हथियार से हुए हमले में पंजाब पुलिस का ASI सुखविंदर सिंह घायल हो गया जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। देखते ही देखते महज 8 सेकंड में पानी की टंकी जमींदोज हो गई। सूरत महानगर पालिका ने यह डिमोलिशन योजनाबद्ध तरीके से किया। पहले निचला हिस्सा कमजोर किया गया और फिर रस्सियां बांधकर ऊपरी हिस्से को JCB से खींचा गया। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि चलती रोड और आसपास बस्ती होने के बावजूद गैर पेशेवर अंदाज में कार्रवाई करने का जोखिम लिया गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक रेस्टोरेंट में बेरहमी का नजारा देखने को मिला जहां महज पहले खाना खाने को लेकर झगड़ा हुआ और 4 लोगों ने मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीटा।
युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने वाला युवक सुरेंद्र भाटी है जो प्रिंटिंग प्रेस चलाता है, जबकि आरोपी नरहावली नाम के गांव का सरपंच और उसके दोस्त हैं। हरियाणा के हिसार के पौश इलाके सेक्टर 14 में झुग्गियों में रहने वाली एक नाबालिग का फांसी से लटका हुआ शव बरामद हुआ है। बच्ची के परिवार ने आरोप लगाया कि बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसके शव को फांसी पर लटकाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के मेरठ में 8 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। बच्चा कुछ दिन के लिए अपने मौसा के घर रहने आया हुआ था। हत्या के बाद से ही मौसा गुलाब सिंह फरार है। पुलिस का मानना है कि हत्या बच्चे के मौसा ने ही की है। आरोपी की तलाश जारी है, जबकि बच्चे की मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मुंबई में एक मॉडल ने अभिनेता अरमान ताहिर पर शादी का झांसा देकर रेप करने का केस दर्ज कराया है। मॉडल के मुताबिक 5 साल से वो और अरमान पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। अरमान ताहिर उससे शादी का वादा करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, अब पीछा छुड़ाने के लिए मारने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस ने अरमान ताहिर पर रेप और धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन में देर रात एक सोना व्यापारी पर गोलीबारी का मामला सामने आया है। गाड़ी में सवार होकर दुकान से घर जा रहे कारोबारी पर बाइक सवार बदमाशों ने पहले गोलियां चलाई और फिर हवा में बंदूक लहराते हुए फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस व्यापारी की शिकायत और सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर मामले की जाँच में जुट गई है। 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने के बाद टीम इंडिया सीरीज सील करने के इरादे से आज दूसरा वनडे मैच खेलेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीनों वनडे मैच हरारे के मैदान पर ही खेले जाने हैं। भारतीय समय के मुताबिक मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। पहले वनडे में शतक जमाकर टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले केएल राहुल कामयाबी मिलने से बेहद खुश हैं। केएल राहुल का कहना है कि उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और लगातार मौके मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। राहुल ने पहले वनडे में नाबाद शतक लगाया था। टीम इंडिया का नया कोच कौन होगा, इसके लिए अभी करीब 2 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कोच का यह चुनाव बीसीसीआई के लिए मुश्किल जरूर हो गया है, क्योंकि बीसीसीआई के सामने कोच पद पर आवेदन देने वालों में कुल 57 नाम सामने आए हैं। इन 57 लोगों में रवि शास्त्री, संदीप पाटिल, प्रवीण आमरे, वेंकटेश प्रसाद और ऋषिकेश कनेटकर भी शामिल हैं। साल 2005 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब क्रिस गेल ने 317 रन की पारी खेली थी, तब ब्रायन लारा की नजर लगातार स्कोर बोर्ड पर टिकी हुई थी, कहीं गेल उनकी सबसे बड़ी पारी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त न कर दे। ये बात खुद क्रिस गेल ने कही है अपनी बायोग्राफी 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट में। उनके मुताबिक सेशन ब्रेक के दौरान जब वो लारा से मिले तो लारा ने उनसे बात तक नहीं की और वो बेहद उखड़े हुए भी दिखे। साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीत लिया। फाइनल में साइना ने चीन की सू यू को मात दी। 3 सेटों में हुए करीबी मैच में साइना ने सू यू को 11-21, 21-14 और 21-19 से मात देकर खिताब पर कब्जा किया।